दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 7 से 11 जून तक लंदन के ओवल मैदान पर भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया में अचानक एक खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री करवाई है, जिससे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में खौफ का माहौल बना हुआ है। आखिर रोहित शर्मा ने इस खूंखार खिलाड़ी को अचानक क्यों शामिल किया, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु ये सब बताने से पहले, यदि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक व क्रिकेट हिमालयाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार जरूर दें। दोस्तों, रोहित शर्मा ने जैसे ही इस खिलाड़ी को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल करने की घोषणा की, तो उस दिन से ऑस्ट्रेलिया की पूरी क्रिकेट टीम दहशत में है, क्योंकि टीम इंडिया का ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में टीम इंडिया का ये घातक खिलाड़ी पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को तहस नहस कर सकता है। ये खिलाड़ी अपने अकेले दम पर भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भी जिता सकता है। ये मैच विनर कोई और नहीं बल्कि स्पिन के महारथी और भारत के जबरदस्त ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन है। दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में दुनिया की सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाजी ही नहीं करते बल्कि बेहतरीन बल्लेबाजी में भी माहिर है। रविचंद्रन अश्विन के नाम टेस्ट क्रिकेट में 5 शतक हैं और उनका बेस्ट स्कोर 124 है। टेस्ट मैचों में अश्विन के नाम रिकॉर्ड 474 विकेट दर्ज है। इस दौरान अश्विन ने 32 बार 5 विकेट हॉल झटके हैं। अश्विन ने 7 बार मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। ऐसे में अश्विन टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं।